हर हर महादेव। आज मैं आप सभी को कहानी सुनाऊंगी सोमनाथ मंदिर के पौराणिक कथा की। मान्यताओं के मुताबिक खुद चंद्रमा ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, यही वजह है कि इस शिवलिंग को सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के मुताबिक प्रजापति दश ने चंद्रमा के साथ अपनी 27 कन्याओं का विवाह किया था। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा इस प्रकार है। जब प्रजापति दश ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दश कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दश कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर सभी कन्याएं भी इस विवाह से बहुत प्रसन्न थी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर और प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और अपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दश पुत्रियां बहुत दुखी हुईं। वे सभी अपने पिता दश की शरण में गईं और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के व्यवहार को सुनकर दश भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, कलानिधे, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्रेम करते हो और किसी को कम प्रेम करते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने के साथ विषमता पूर्वक व्यवहार करता है उसे नर्क में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दश ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा ऐसा सोच प्रजापति दश वापस लौट गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दश की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेला की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दश बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दश ने चंद्रमा से न्योचित वर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दश की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया। दश ने कहा, मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दश द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके छीड़ होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अव्यवस्था तथा उनके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जो घटना हो गई है उसे तो भोगना ही है, क्योंकि दश के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा देवताओं के साथ शुभ कल्याण कारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं, जहां पर वो विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा भगवान शिव की उपासना की तल्लीन हो गए। ब्रह्मा की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया।
10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर वहीं निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जिसके लिए आए हो कठोर तप कर रहे हो, उस अपनी अभिलाषा को बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वरदान दूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, देवश्री आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह से आप समाप्त कर दीजिए। भगवान शिव के लिए ये संभव नहीं था, अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक क्षण में छीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के लिए योग्य हो जाओगे। भगवान शिव की कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर जी की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग के रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्योतिर्लिंग की इस पौराणिक कथा को आप अपने प्रियजनों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें, हर हर महादेव। हर हर महादेव। रेडियो कनपुरिया, रेडियो कनपुरिया, 90.0 FM लगाते।